गाइज वेलकम बैक टू स्मैक व्लॉग्स। गाइज आज है एक नया दिन और इतनी धूप वाला दिन कि मैं फिरने वाली हूँ। और आज हम जा रहे हैं राखी की लेने के लिए, क्योंकि अभी राखी आने वाली है दो दिन में, और उसके बाद फिर अगर अब आज नहीं गए तो राखी सारी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ख़त्म नहीं हो जाएंगी, मतलब अच्छी वाली नहीं मिलेंगी हमें, थोड़ी फिर ऐसी बेकार वाली लेनी पड़ेगी। पर राखियाँ सारी अच्छी होती है, डजंट मैटर, सारी राखियाँ अच्छी होती है, बांधने वाले को होता है बेटा। और हमें इंडिया से भी सारी राखियाँ आ चुकी हैं, पापा की और दादाजी की भी आ गई हैं। तो भी हम आपको व्लॉग में आगे दिखाएंगे, जब हम घर वापस जाएंगे तब हम दिखाएंगे आपको राखियाँ जो हमारी इंडिया से आई हैं। और नहीं, हमने एक दिखा दी थी आपको पहले व्लॉग में जो राखी आई थी, बट ये जो और भी राखियाँ आई हैं हम वो भी दिखा देंगे आपको। एंड अभी हम चलते हैं, इतनी गर्मी हो रही है और मैं फुल्ली खा के आई हूँ, क्योंकि टैन नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। मेरी राखी बेटा कौन बनता है बार आई आंसू ना नीति मेरी राखी मेरे भाई की। हाँ, बड़ा मम्मी की तरफ से जो मेरी बुआ जी की बेटी है जिसका बेटा अंशदीप है, लाला जी, उसकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी अंश की, तो आपको पता लग गया होगा उसकी मम्मी है जो मेरी मम्मी की जगह पे मम्मी की भैया को राखी बांध देती है। कन्फ्यूजिंग है बट समझ लेना, मेरे मामा को राखियाँ बांध देती हैं और जो भी है, क्योंकि हम राखी पे एक हमने कैसे हर एक स्पेशल ओकेजन पे नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो मन्नू को करी चला मुझे छुट्टियाँ पड़ रही मन्नू जाने, क्योंकि अगर हम अभी जाएंगे तो अभी हम सिर्फ दो हफ्ते के लिए जाएंगे, जैसे मम्मी और पहले गए थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी खुद कह रही कि दिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक ही अगर सिर्फ राखी के लिए जा रहे हैं तो मम्मी और राखी में बिजी रहेंगी, उसके बाद मम्मी को कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे शादी में हुआ तो जाने का फ़ायदा कुछ है नहीं। जैसे हम रह गए थे 3 महीने, उसका फ़ायदा है, लॉकडाउन कब लगेगा दोबारा यहाँ पर, लग जाए अभी, लग जाए अभी, अभी नहीं लगता मेरा मुंह दुख रहा है। अब हम जाएंगे आयुष दी की शादी पे, मेरे को प्रैंक करूंगी इसके लिए, मैं बच्चों वाली राखी दूंगी, क्योंकि मुझे मना करा था बच्चों वाली नहीं देनी, पर मैं उसके लिए बच्चों वाली लूंगी, वो भी यूनिकॉर्न वाली राखी करने के लिए। मैं ना बहुत ज़्यादा अनोयड हो गया था मुझे, और थोड़ा गुस्सा भी करेगा, बट हु केयर्स, इट्स प्रैंक प्रैंक, क्योंकि वो ज़्यादा बनते रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए दिस इज लाइक अ रिवेंज करने के लिए। तो हाँ, पहले मैं लेती थी एक पिंक कार, बट मुझे लगा नहीं उसको यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो ले ली। उसे नहीं अच्छा लगता नहीं उसे राखी वाले दिन बजा हुआ, मैं चुपा दूँगी, मैं दिखाऊंगी नहीं, और फिर उसके रिएक्शन लेंगे हम रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, तो अगर आपको उसके रिएक्शन देखने हैं तो आपको रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। सुनना सुनना सा हो रहा है, क्योंकि अभी वीक डेज हैं, बट वीकेंड से बहुत भरा हुआ आता है। गोलगप्पे खाते हुए इसका लगी थी, इसलिए मैंने कोक ले ली है, और मेरी कोक खोलने से पहले ही इसका बंद हो गई थी, बट मम्मी कह रही नहीं नहीं ले 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 अभी हम खाएंगे गोल गप्पे, और मैं सोच रही हूँ मैं तरंगा के लिए भी सिमर की राखी ले लूँ, तो अभी हम देख रहे हैं हम क्या लेंगे, और इधर हम गोल गप्पे फूट जाए थे थोड़ा सामान लेने के लिए, मैंगो मूंगे मिलने के मिल्क शेक के लिए, तो अभी हमने सामान ले लिया है और उसके बाद हम जाएंगे घर। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन धूप हो रही है, और इतने दूर सामान उठाना पड़ रहा है, गर्मी फिर चेहरे ग्लो ही लग रहा है, तुम बड़ सीने से गर्मी गर्मी चेहरे पे तेल उतरिया, तेल तेल आ गया, तेल तेल उतरिया। और मन्नू को ना आज भाई परोड़े पे ले जाओ ना, मुझे सूट दिला दो, मुझे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने मम्मी को बोला मुझे सूट अच्छा लग रहा है, मैंने लिए ना, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मम्मी कह रही है देख ले, मैंने कहा नहीं रहने दो, अच्छा दिला दो, फिर मम्मी ने दोबारा से कहने लगी, मैंने कहा अच्छा दिला दोगे, फिर मम्मी कह रही पूछ कितने का है, धक्के ना मारो यार, कभी हम घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी राखी जो हम लेके आए हैं। शिट, हम तो खांसी तक फुल गया, यार मम्मी थक के घर में आ चुके हैं, और ये मेरी माँ और वो रहा हमारा
और ये रहे हम। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम जो क्या लाए हैं। अभी थोड़ा सिमरी है पे, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर जब चला जाएगा तब मैं आपको सही रहा क्या दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा फनी होने वाले उनके रिएक्शन अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला इतनी बड़ी मक्खी, तो आप देखना रक्षाबंधन वाले व्लॉग में जो से पाद आएगा थैंक। और हम कहीं घूमने भी जाने वाले हैं रक्षाबंधन पे, तो स्टे ट्यून्ड। क्या हुआ देखी तेरी है ना, तेरी नहीं है ना वो, तो मुझे मालूम नहीं चाहिए ये तो फनी फनी लेगा इसलिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं बोला ना चाहिए। मम्मी ने साफ बोला है स्पॉइल कर दी मेरा, मैंने बोला ना मुझे अच्छी जाने कोई अच्छी चीज। हां तेरी अच्छी लेके आया, अच्छी लेके आया, मुझे मेरी है अभी बांध ले खुद के बांधने का सिमर नहीं ना सरप्राइज है तेरे लिए यार। मेरी है मुझे नहीं पता, तेरी नहीं है, मेरी है मैं पाऊंगा ये, मुझे नहीं पता मैं पाऊंगा ये, मुझे नहीं पता मैं पाऊंगा ये। पा लियो देखेंगे कौन कौन पाएगा इसे, तो हमें बांधने तुझे नहीं बांधनी, वापस दे दे मम्मी देख लो वापस दे दे, खुद ही खुद बांध देगा। चलो मम्मी ने आंख बांध दी। अच्छा आंख में लकड़ियां दिखा दो मुझे पहले ना, क्या दिखा दे लकड़ियां, नहीं लकड़ियां सरप्राइज दे दे, नहीं वो हम दिखाते नहीं, एक रस्म होती है ये, रस्म मनाई इस बार। हाँ कि दिखाते नहीं अब तक राखी बांधे ना। हाँ रात को आऊंगा मैं राखी लेके जाऊंगा, रात को तू आएगा तू अंधेरे डर जाएगा तू फिर भागेगा और रोता ही रहेगा। सिमर फिर तो ऊपर ही मुतेगा, नहीं अंधेरे में जाएगा अकेला पूछने से। हम तो मम्मी के मन रखे ना, मैं सिर्फ से दूधती हूँ तब भी उतर रहे, देखना इसके बाल में सिर्फ से दूधती हूँ तब भी उतर रहे, मेरे तो लंबे बाल हैं इसके, तेरे तो अब नहीं छोटे नहीं है वाले लंबे हैं। Not for you my bro, not for you। तो गाइस अभी मैं आपको रॉक का बट गाइस देख सकते हैं, मुझे फोन दे दो पर नहीं उसके बाद नहीं मैं वीडियो वो डिलीट कर दूंगी। और मैं वीडियो में ओह नाइस आईडिया मुझे पता मिला गया, थैंक यू मुझे फोन दे दो, फोन दे दो क्या मैं दे सकती कुछ नो यार दीदी दे दो ना, अभी वीडियो बनाई इंस्टाग्राम के लिए राखी हॉल। तो अभी आप मेरे बंक बेड पे और मैं खड़ी हुई हूँ सिमर के बेड पे, नहीं गाने के बेड पे, तो अभी हम आपको दिखा देंगे अपनी राखी हॉल हॉल हॉल। तो ये अभी सिमर खेल रहा है गेम्स, उसने हेडफोन लगाए थे उसको सुन नहीं रहा। हाँ कोई नहीं, मुझसे ब्लॉग नहीं खाने के, ये ब्लॉग है शायद ये ब्लॉग जो रक्षाबंधन से पहले जुट जाएगा, तो उसकी मम्मी कह रही है उसे बड़ी से देख लेगा, बट मैं सिर्फ ब्लॉग में देखने लूँगी कि एडिटिंग मैटर्स में सारी, तो उसे नहीं पड़ेगा किसके लिए कौन सी शक्ति आई है। और वो रो रहा था अभी तो मुझे कैमरा बंद करके उसके बाद बोलने लग गया कि मुझे दिखा नहीं रहे तुम दिखा नहीं रहे, तो फिर उसको फिर मम्मी ने बोला जब बाहर खेले जाके बाद में खा दिए टाल दिया मम्मी ने उससे बेसिकली। तो यस तो अभी मैं फिर जिनको हम लेके आए हैं, तो एक ही और लेके आई मम्मी है ये ब्रेसलेट टाइप वाली, इस पर लिखा हुआ मेरे भैया। और ये वाली बहुत ज़्यादा क्यूट वाली राखी है, ये है सिमर के लिए, एंड ये एक और राखी है और ये एक और राखी है। आप सोच रहे होंगे मेरे दादा को लेके आई, ये बेसिकली दादा जी के लिए, दादा जी की दो बहनें इंडिया में वो यहाँ पे राखियाँ नहीं भेज पाई, तो हम दादा के लिए यहीं से ले आए ताकि हम बांध लें दादा की बहनों की जगह पर, तो इसलिए दादा की राखियाँ हैं ये दो। एंड फिर हमने ये लेके आई हूँ ये तरन भैया के लिए, और इसमें है लाइट, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इसमें लाइट है, वरना मैं इसमें सिमर के लिए ना लाइट वाली लाती, बट इसमें लाइट है, तो ये पिंक कार्ड वाली खार वाली तरन भैया की है। एंड होला मिनट, और ये है हाँ ये वाली मुझे पानी लगी कि ये है ब्रदर, और इसमें ब्रदर में चश्मे बने हुए हैं क्योंकि सिमर के जैसे कि आपको पता है ग्लासेस से ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा तगड़ी है, तो इसलिए जैसे ही मुझे ये दिखी सिर्फ ये लास्ट बची हुई थी हाँ मैंने एकदम छीन ली, क्योंकि एक और थी वहाँ पे लेडी, तो वो भी इसे मतलब देखने वाली थी, बट मैंने उससे पहले ये उस पर हाथ मार दिया, तो ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगी, और इसलिए मुझसे बहुत रिलेटेबल है इसलिए मुझे ज़्यादा फनी लगी। और एक मोर वाली राखी है, एंड आई एम जस्ट रियलाइजिंग समथिंग मम्मी, और उसमें है
और मैं मम्मी कह रही थी इतनी टेंशन हो गई। हाँ और गाइज हम ये दो राखियाँ लेके आए हैं जो मैंने आपको एक बारी पहले दिखाई थी मेरे भैया वाली, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सिमर के सिर्फ ये और ये गंदर मैंने सिर्फ यही बांधी तो वो रोने डेफिनेटली लग जाएगा, क्योंकि वो अभी रोने लग गया था क्योंकि उसे लगा कि सिमर उसके काट मार रहा था। थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि मम्मी मम्मी सीक्रेट नहीं रख पाई, मैंने कहा तेरे दिन काट मार लिया, मैंने कहा मम्मी चुप हो जाओ ना ये बताओ प्लीज, बट मम्मी दिखती हूँ मेरी मम्मी से होता ही नहीं, मम्मी से सीक्रेट रख ही नहीं जाते, बाकी सब रख लेंगे बट मेरी मम्मी नहीं हो सकता। तो ये हम लेके आए एक करण भैया के लिए और एक सिमर के लेके आए, क्योंकि हम सिर्फ यू नो हम जोक्स नहीं कर सकते, हम थोड़ा रियल होना पड़ता है क्योंकि यू नो बड़े हो गए हैं वो थोड़े से, तो थोड़ी ढंग की राह खिलानी पड़ती है उनके लिए। एंड हम एक और चीज़ लेके आए थे, हम लेके आए थे मेहंदी, हम ये दो लेके आए थे जो ट्यूब होती है, बट टर्न्स आउट कि बिल्कुल ब्लैक है, दिख रहा है आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने ब्लैक पेन चला रखा अपनी उंगली पे, और मैंने एक एक सेकंड के लिए नहीं रखी है अपनी उंगली पे और ये जच चुकी है, ऐसे देख सकते हो। यहाँ भी मैंने ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, आई वाज जस्ट यू नो ड्राइंग रैंडम स्टफ, और फिर मैंने ना ऐसे डॉट पाया और मैंने हटाने की कोशिश करी वो हटा ही नहीं, और ये अब ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ पे कुछ लगा हुआ है, इधर भी सारे मैसी हो गए मेरे हाथ, और पता नहीं कब जाएगा ये, जब जाएगा तभी जाएगा। एंड मम्मी ने आज बनाई है कढ़ी, और मेरा ना सांस फूल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस गर्मी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की कढ़ी, मम्मी लेके गई कढ़ी के साथ खाने के लिए, हरे प्याज छोटे छोटे, और यहाँ बन रही है कढ़ी गर्म तो नहीं है, ये बन रही है कढ़ी, और ये सैलड है, मम्मी पापा को ना सैलड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखती है ताकि वो स्वीट और जो भी फ्रूट का टेस्ट, क्योंकि फिर पापा अगर मम्मी आए पापा को अलग अलग देना तो पापा खाते ही नहीं हैं, बट अगर पापा को इकट्ठे करके दे पापा खा लेते हैं, तो ऐसे यू नो ट्रिक्स होती हैं, जैसे मम्मी हमें लंच में कुछ ट्रिक्स करके देती थी, अब पापा को ट्रिक्स करके देते हैं हमें लंच में। एंड इसमें क्या है, यस खा लिया है, और इसमें पकौड़े डल चुके हैं, और इसमें जाएगा धनिया इसमें, और यहाँ बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ कल बनेंगे गोभी के परौंठे, और यहाँ पे मम्मी ने चावल भिगो रखे हैं, और मुझे इनके साथ ऐसे करना बहुत सैटिस्फाइंग। मन्नू मत खा, क्या करा मैंने, चावल ना खा, मैं नहीं कर रही, मैं भी हमने पकौड़े भी खाए थे बट वो हम खा चुके हैं, तो मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ, और हमने खा लिया है, और हमने खा लिया था बिकॉज हमें याद नहीं रहा व्लॉग शूट करना कि हम व्लॉग शूट कर रहे थे आज, तो हम खा के बैठ गए। अभी है डिनर टाइम, हमारा डिनर टेबल पे आ चुका है, एंड और पापा भी नहा रहे, तो हम पापा की वेट कर रहे हैं, एंड दादा ने अपनी रोटी सबसे पहले खा ली है क्योंकि दादा सबसे पहले खाते हैं, फिर हम दादा के बाद खाते हैं, एंड डोंट माइंड माई हेयर हो जाता है थोड़ा, तो अभी हम खाएंगे रोटी एंड देन अभी हम चल जाएंगे एरोप्लेन, बैठ के हम कुछ कुछ करेंगे, फोन देखेंगे, मैं एडिटिंग करूंगी, सिमर गेम में खेलेगा, तो यस एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल, होप यू कैन यूज द सिल्वर लेटर, बाय।